परचेज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स, क्या इस पर हमें रिफंड का ऑप्शन मिलेगा या फिर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा? वेलकम बैक टू गाइस, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो सेल चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो आपको इस पर रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। गाइस, इस बात को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं बता दूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट्स में एक तो रेड में है, एक ग्रीन रेड में है। ये दोनों में फ़र्क इतना है क्योंकि इसका जो रेड ब्लैक है बिल्कुल रेड में है। इसका जो रिव्यू आपको अगर बता दूँ तो थोड़ा सा मतलब इसके कंपेयर में बहुत लो है, इसका जो क्वालिटी इशू आ रहा है बहुत सारा। लेकिन इसका मैं जो रेट में है और रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छा आपको ये मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो बहुत सारे कलर भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बात मैं करूँगा, ब्लैक रेड में है, ब्लैक सिल्वर में है और वाइट में भी आपको मिल जाएगा, वाइट ब्लू और ग्रे ब्लू में ये सारी चीज़ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर बात मैं करूँ इसकी जो रेड में है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन कलर के ऊपर से आपको कलर के हिसाब से आपका प्राइस इसका जा रहा है, मतलब कि उसका हाई जाएगा। जैसे जैसे आप कलर चूज़ करोगे, सेलेक्ट करोगे, वहाँ आपको उसका प्राइस भी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो प्रोडक्ट्स इसकी क्वालिटी मैं अच्छी बता रहा हूँ, इसका रेड ब्लैक वाले में जो ग्रीन रेड में है, इसकी रेट आपको सेम मिलेगा। जो 400 to 4 दिया है, मतलब 424 में सब सेम है इसमें, मतलब कोई भी डिफरेंस इसमें कलर के हिसाब से आपका प्राइस इसमें ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा बहुत ही अच्छा है। लेकिन बता दूँ सबसे पहले कि एक लोगों का कमेंट आया था कि अगर हम कोई भी ऑफर पे परचेस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स, क्या इस पर हमें रिफ़ंड का ऑप्शन मिलेगा या फिर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा? तो वही चीज़ मैं कहूँगा आपको फिर से कि अगर कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हो, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो उसको रिफ़ंड ले सकते हो आराम से। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं इसको रिटर्न करूं, रिप्लेसमेंट करूं, तो ऐसा कभी गलती मत करो। क्योंकि होता क्या है कि इसमें अगर आप रिप्लेसमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हो, तो अगर रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट डालते हो तो कई गुना ज़्यादा, रिफ़ंड का रिक्वेस्ट डालने से कई गुना ज़्यादा अगर आप इसको चाहते हो कि फास्ट आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रिफ़ंड का जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। सपोज़ आज की डेट में आपने इसको रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाला, उसके बाद आपका नेक्स्ट डे में डिलीवरी बॉय आपके पास आता है और प्रोडक्ट्स ले जाता है, और वहाँ पे तुरंत ही आपको वो रिफ़ंड आ जाता है, मतलब कि 1 to 2 मिनट में। और कभी वैसे तो 3 दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन वो 4 घंटे में आपको रिफ़ंड वापस दे देते हैं। 4 घंटे लग सकते हैं, और फिर ये बहुत मैक्स 1 दिन लग जाएगा। तब तक जब आप रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाल दोगे, उसके बाद वही प्रोडक्ट जो आपको पसंद होगा आप फटाफट ऑर्डर कर दो, और हो ना हो जो आपका प्रोडक्ट्स ले वापस लेने आएगा वो आपको दे भी जा सकता है। सेम प्राइस, सेम डे, सेम डे में आपको वापस मिल जाएगा। तो ये आइडियाज़ आपको रखो, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली मैं अपने ऊपर आजमाया हूँ। ये ऐसा ही है, जब मेरा बंद पसंद करता है कि अरे मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया शूज़ और मुझे इसके बदले कुछ और लेना है, तो उसको फटाफट मैंने इसको रिफ़ंड ले लेना है, सक्सेसफुली हो गया, इधर तुमने अपने पसंद का प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर दिया। कि वही इत्तेफाक ऐसा होता है कि वही जो हमें हमारा प्रोडक्ट लेने आता है वही हो सकता है वो दे के आपको चला जाए, तो आपका सेम डेज मतलब रिप्लेसमेंट जैसा हो गया। हम वो प्रोसेस जो रिप्लेसमेंट का होता है ये बहुत ही लेंदी होता है, बहुत लंबा तक खींच जाता है वो, इससे अच्छा ही है ये मैं सारी उसी से बात करता हूँ, चाहे अमेजन हो, आपका स्नैपडील हो, स्नैपडील को तो बात नहीं करूँगा यार, प्लीज़, हाँ, और फ्लिपकार्ट हो, पेटीएम, कोई भी प्रोडक्ट हो, इसी तरीके से काम करता है। तो अभी के लिए वीडियोस बस इतनी थी। अगर आपको क्वेश्चन कोई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं आपको इसका आंसर दे सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।